गुड इवनिंग एवरीबॉडी, इंस्पायर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी की नई क्लास, क्लास नंबर 34। 34 नंबर की आज हमारी क्लास है और आज कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सीखेंगे, जो हमने आज तक देखा है उससे थोड़ा सा अलग। शुरू करते हैं, तैयार हैं आप लोग? रेडी? चलो आज हम कुछ प्रवर्ब्स की बात करेंगे। जैसे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। कई बार आपसी बातचीत में, बोलचाल में हमें इनका यूज करना पड़ता है। हिंदी इसका सेंस समझो कि वही सच्चा दोस्त है जो मुसीबत में काम आए। जब आपको काम हो तब अगर आपका दोस्त काम आ रहा है तो वही आपका सच्चा दोस्त है, ऐसा कहा जाता है। पर इंग्लिश में याद नहीं आता है क्योंकि हमने इसको अक्सर रटने की कोशिश की, समझा नहीं। अगर समझ लिया होता तो शायद बहुत आसानी से हम इसको यूज कर पाते अपनी लिखने पढ़ने या बोलने वाली लैंग्वेज में। समझते हैं, अ फ्रेंड इन नीड। नीड मतलब आवश्यकता। तो वो फ्रेंड जो नीड में क्या है, काम आए, इज अ फ्रेंड। और इन डीड, इन डीड का मतलब होता है निश्चित रूप से, पक्के में। तो अ फ्रेंड इन नीड है ना, थोड़ा पढ़ने का तरीका सीख लो, मैं आपको कॉमा लगा के समझा देता हूं। देखो अ फ्रेंड इन नीड, यहां हमें इसमें पॉज देना है, रुक जाना है थोड़ा सा। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ऐसे दो पार्ट में अगर हम इसको समझेंगे तो आसानी रहेगी। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त है। अब अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि क्या कोई आपका सच्चा दोस्त है तो ठीक नहीं लगेगा। यह पूछा जाए कि क्या आप किसी के सच्चे दोस्त हैं, क्या कोई आपके बारे में ऐसा कह सकता है कि ही इज माई फ्रेंड इन नीड। क्या आप मुसीबत में किसी और के काम आते हैं या सेल्फिश होकर ये जीवन निकाल रहे हैं? किसी और के काम आइए, एक अच्छा दोस्त साबित हो जाइए, तो आपको बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलने लगेंगे। यस, तो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ये पहली प्रभु हमने फिनिश की, दूसरे की तरफ चलते हैं। याद रहेगी आपको कल तक, हम कल फिर रिवाइज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, एज यू सो सो शैल यू रीप। देखिए फसल लहला रही है, बोने और काटने से मतलब है ना। सो का मतलब होता है बोना, जब हम कोई फसल बोते हैं, और रीप का मतलब होता है काटना, फसल काटना स्पेशली। तो एज, जैसा है ना, एज का मतलब है जैसा। एज यू सो, जैसा आप बोते हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप, वैसा ही आप काटते हैं। अरे मतलब आप जैसा बो देते हैं वैसा ही आप काटते हैं। मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, इसका सेंस हिंदी में क्या निकलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जिस तरह से आपने बोया था आप वैसा ही काट पाएंगे, है ना। हिंदी में कहते ना कि बोया पेड़ बबूल का, हिंदी में क्या कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। मतलब हमने कांटे बोए थे तो फिर कुछ अच्छा कैसे होगा। तो इसलिए एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यह भी क्लियर हो गया थोड़ा सा। सो का मतलब होता है बोना और रीप मतलब काटना। तो एज यू सो सो शैल यू रीप, दूसरी प्रभाव हमने देखी। अगले की तरफ चलते हैं। ओहो, कुछ नॉलेज से रिलेटेड आने वाला है, हालांकि हमारा ज्ञान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, है ना। ज्ञान से हमारा 36 का आंकड़ा है। यस, फिर भी देखते हैं कुछ आएगा नॉलेज से रिलेटेड, समझते हैं। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ा ज्ञान, अधूरा ज्ञान, कुछ ज्ञान क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है, ठीक है ना। और हमें वैसे भी थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान है हर चीज के बारे में। हम मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं बट मास्टर ऑफ नन हैं, ये भी एक होती है प्रभाव। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, मतलब हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है ना, पर हम मास्टर किसी में नहीं है। और दुनिया अब स्पेशलिस्ट चाहती है,
सिर्फ चीजें आ जाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसमें स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। सो अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यहां अ लिटिल लिखा है जिसका मतलब होता है बहुत कम, नगण्य, नहीं के बराबर। ऐसा होता है क्या? नहीं, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत। अगर यहां लिटिल लिखा होता तो मतलब होता नगण्य, कुछ नहीं के बराबर, है ना। यहां लिखा है अ लिटिल, इसका मतलब है थोड़ा नॉलेज। सो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, बहुत खतरनाक होता है अधूरा ज्ञान, जैसे अभिमन्यु को था, है ना, अधूरा ही था ना, पूरा नहीं था, पूरा होता तो बात ही कुछ और होती। सो सॉरी, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यह हमने देखा। थर्ड, अगला, ओहो, धूम्रपान जैसा कुछ लग रहा है और दोस्ती यारी बढ़ रही है, है ना। तू पीता है? बोले हाँ मैं भी पीता हूँ, चलो अपन दोनों दोस्त, ऐसा ही कुछ मामला है। समझ लेते हैं क्या प्रभाव आ रही है आपके सामने। द नेक्स्ट प्रभाव इज अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है, है ना। अ मैन इज नोन, जाना जाता है, बाय द कंपनी का मतलब यहाँ संगत से है, कैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं उससे आपकी पहचान होती है। किसी बहुत फेमस व्यक्ति ने कहा था कि आप मुझे अपने फ्रेंड्स के बारे में बता दीजिए, मैं आपको आपके बारे में बता दूंगा। यस, तो अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए कि आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, किस तरह के लोगों से आपकी फ्रेंडशिप है, है ना। उससे आपका चरित्र पता लगता है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपका व्यवहार, आपकी पर्सनालिटी, बहुत कुछ समझ में आती है। यस, तो ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो आपको कुछ ऊट पटांग सिखाएं, है ना, कुछ अच्छे लोगों के साथ रहिए। तो अ मैन इज नोन, हमें तो प्रोवर्ब पकड़नी है ना, तो अ मैन इज नोन या हल्का सा पॉज देना है, बाय द कंपनी ही कीप्स, व्यक्ति जाना जाता है अपनी जान, जो उसके आसपास लोग रहते हैं, जो उसकी संगत है, जिस तरह के व्यक्तियों के साथ उठता बैठता है उससे व्यक्ति जाना और पहचाना जाता है। चलिए साहब, ये भी हो गया, है ना। तो अच्छी संगत हमें अच्छा भी बना देती है और बुरी संगत हमें बिगाड़ भी देती है। तो अपनी संगत पर थोड़ा ध्यान दीजिए, किन के साथ आप रहते हैं। चले नेक्स्ट की तरफ। चलो, द नेक्स्ट इज, ओहो, ये एप्पल दिख रहे हैं मुझे और बीच में ये देखो एक एप्पल सड़ गया है। कुछ इससे रिलेटेड प्रोवर्ब याद आ रही है क्या आपको, कि एक एप्पल है जो सड़ चुका है, बाकी आसपास के एप्पल भी इसके साथ हैं? नहीं याद आ रही है? अरे कुछ पढ़ा लिखा करो रे, रीड समथिंग डिफरेंट, कुछ पढ़ो सीखो। आ, रोटन एप्पल इंजर्ड्स इट्स कंपेनियन। रोटन का मतलब है सड़ा हुआ, लिख लिया करो नहीं मालूम हो तो। आ, रोटन मीन्स सड़ा हुआ एप्पल, जो खराब हो गया हो। इंजोर का मतलब होता है घायल कर देना या घायल हो जाना, यहां घायल कर देने से मतलब है। तो अ रोटन एप्पल इंजर्स, क्या करता है? इट्स कंपेनियन। अभी कंपनी आया था संगत, अब कंपेनियन मतलब दोस्त, साथी। तो अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियन, एक सड़ा हुआ सेब, सिंफल, अपने आसपास के सारे सेब को खराब कर देता है। इसलिए कहते हैं कि अब अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब देखो इन सब की परेशानी क्या है बेचारों के आसपास वालों की, एक गलत कंपनी में पड़ गए हैं, ये इनको भी सड़ा देगा। पहचानो अपने बीच का वो सड़ा एप्पल, है ना, वो रोटन एप्पल जो आपको भी खराब कर रहा है। यस, सो अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियन, एक खराब सड़ा हुआ सेब अपने आसपास के साथियों को, सबको खराब कर देता है। हिंदी में कह सकते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यह हिंदी का वर्जन है। और इंग्लिश में कहते हैं अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कुछ कंफ्यूजन लग रहा है ना, कुछ मामला काम हो नहीं रहा है, दिक्कत आ रही है कुछ। अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, हिंदी में आपने बहुत सुना है, बहुत ही सुना है। इंग्लिश में थोड़ा अपना हाथ वैसे भी तंग है, है ना, इसलिए नहीं सुना होगा शायद। हिंदी वाला पहले मैं आपको समझा देता हूं। हिंदी में है नाच न जाने आंगन टेढ़ा,
कभी इसको समझने की कोशिश की आपने कि इसमें नाच क्या है, आंगन क्या है, टेढ़ा क्या है? समझो उसको, वो बहानेबाजी वाला मामला है। जब आपसे कुछ काम नहीं बन रहा है तो आप बहानेबाजी करते हैं कि ये आंगन टेढ़ा है वरना मैं नाच के दिखा देता, है ना। तो वैसे ही आप बैड वर्कमैन मतलब एक खराब काम करने वाला व्यक्ति। क्वारल का मतलब यहां झगड़ना है, दोष देना है, है ना, किसको? विथ टूल्स, मतलब जिस व्यक्ति को काम करते नहीं आता है, जो बैड वर्कमैन है वो क्वारल्स विथ टूल्स, वो अपने औजारों से लड़ता है। अरे औजारों से लड़ता है मतलब उनको दोष देता है। जैसे आपसे, आपको कोई नट खोलना है, आपसे नट खुल नहीं रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, पाना खराब है या स्पैनर ठीक नहीं है इसलिए मैं खोल नहीं पा रहा हूं, है ना। तो आप बैड वर्कमैन क्वार्क्स विथ टूल्स, है ना। तो एक खराब काम करने वाला आदमी अपने औजारों को दोष देता है। ये क्लियर हुआ क्या? थोड़ा समझो, इमेजिन करो। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कोई काम आपसे नहीं हो रहा होगा तो आपने बहाना बनाया होगा कि ये चीज ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। यस, तो अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। क्लियर, चले आगे नेक्स्ट की तरफ। कम ऑन, अगले पे चलते हैं। ओहो, ये तो रोज ही रोज खिले हुए हैं, मालूम नहीं क्या आने वाला है, देख लेते हैं। अ फिगर अमंग सिफर्स, अ फिगर अमंग सिफर्स, इंग्लिश में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में लेकिन आपको आता है। ये भी आपने बहुत सुना है, हिंदी में आपने सुना है कि अंधों में काला राजा, सुना है कि नहीं सुना है? अरे हाँ बोलो, हाँ, अरे जोर से बोलो, हाँ, वेरी गुड, सबने सुना है। तो अ फिगर अमंग सिफर्स, इंग्लिश में समझ लेते हैं। फिगर का मतलब होता है, जैसे हम मान लें थोड़ी देर के लिए ये ट्रायंगल हो गया, है ना, ये ट्रायंगल एक फिगर है, स्क्वायर एक फिगर है, है ना, ये रेक्टेंगल एक फिगर है, सर्कल एक फिगर है, ये सब फिगर्स हैं, डेफिनेट फिगर हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां क्या लिखा है। यहां लिखा है अ फिगर अमंग सिफर्स। पहले तो सिफर का मतलब समझते हैं, सिफर का मतलब है जीरो। तो मान लिया ऐसे जीरो जीरो बने हैं सब जगह पर, ये सब जीरो जीरो हैं। अब इनके बीच में अगर हम कुछ ऐसा आड़ा तिरछा भी बना दें तो ये कोई डेफिनेट फिगर तो नहीं है, लेकिन इन जीरो के रिस्पेक्ट में, सिफर के रिस्पेक्ट में तो ये एक फिगर बन गया है कुछ, इनसे तो ठीक ही है ना। चलिए, तो अंधों में क्या हो गया है, एक काणा राजा हो गया है। क्या हो गया अंधों में काणा राजा? देखो, फिगर अमंग सिफर्स, जीरो 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 के बीच में अगर कुछ भी आड़ा तिरछा बनेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, अंधों में काणा राजा हो जाएगा। अ फिगर अमंग सिफर्स, सिफर मीन्स जीरो, समझने की कोशिश कीजिए, सम कोशिश करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। समझो, अ फिगर बताया ना, फिगर डेफिनेट फिगर्स होते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और समथिंग। अमंग, अमंग का मतलब तो आपको आता है कि मध्य, बीच में, सिफर्स, है ना, गुड। तो अ फिगर अमंग सिफर्स, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये एक पानी की बूंद है जो नीचे की तरफ जा रही है, है ना, पानी की बूंद है ना ये, अ ड्रॉप इन द ओशियन। अ ड्रॉप इन द ओशियन का सेंस ऊंट के मुंह में जीरा, एक इतने महासमुद्र में एक ही बूंद, मतलब बहुत थोड़ा सा दिया, है ना। तो अ ड्रॉप इन द ओशियन मीन्स ऊंट के मुंह में जीरा। अगले की तरफ चलते हैं। आह, बहुत बढ़िया से बर्ड्स दिख रहे हैं और लेकिन सब एक जैसे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत नाइस पिक्चर है। अब इससे रिलेटेड प्रोवर्ब क्या आने वाली है वो समझ लेते हैं। पिक्चर तो आपने देख ली, समझ लेते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। कठिन शब्दों में फैदर आपको लग सकता है इसका मतलब पंख है, फ्लॉक का मतलब झुंड है, ग्रुप। तो अब सॉरी, बर्ड्स ऑफ अ फैदर, एक जैसी पंख वाली चिड़िया हैं, जैसे ये सारी एक जैसे पंख वाली, इनके कलर एक जैसे हैं, फ्लॉक टुगेदर, एक ही ग्रुप में रहती हैं,
हिंदी में समझें तो एक जैसी प्रवृत्ति के लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए किसी ने कहा था ना कि आप अपने फ्रेंड्स के बारे में बता दीजिए, हम आपको आपके बारे में बता देंगे, क्योंकि आप जनरली उन्हीं तरह के लोगों के साथ रहते हैं जैसी आपकी प्रवृत्ति है। ठीक है, तो अब बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसी पंख वाली चिड़िया हैं, एक ग्रुप में रहती हैं। हिंदी वाला अगर प्रोवर्ब इसका देखना चाहते हैं तो वो है चोर चोर मौसेरे भाई, शायद आपने सुना ना हो क्योंकि आप तो स्कूल भी वही टाइम पास के लिए गए थे, है ना, लेकिन बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब एक जैसी प्रवृत्ति के लोग एक साथ होते हैं, साथ में होते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये भी वेरी गुड मामला था, और आगे बढ़ाएं इसको। गुड, कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे हो तो शुरू करो सीखना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा पिक्चर देखकर। आ गया, ये भौंक रहे हैं भैया। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काट खाते हैं, हिंदी में है जो गरजते हैं वो कभी नहीं बरसते, थोड़ा अमेंडमेंट चाहिए इसमें कि जो गरजते हैं वो कभी कभार बरस भी जाते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बहुत रेयर है, सेल्डम मीन्स वेरी रेयर बट हैपेंस, तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेल्डम का मतलब है कभी कभार और बाइट मतलब जब हम किसी चीज को दांत से काट लेते हैं उसको बाइट कहते हैं। ये क्या आने वाला है भाई, ब्लड इज थिकर देन वाटर, आपको लग रहा होगा कि ये ब्लड वाटर, थिक मतलब गाढ़ा, थिक मतलब गाढ़ा, अरे पतला और गाढ़ा होता है ना, तो थिक मीन्स गाढ़ा, ब्लड इज थिकर देन वाटर, इसका सेंस पकड़ो, ये कहना चाहता है यहां कि खून के रिश्ते ज्यादा मजबूत हुआ करते हैं, मतलब जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, जो आप जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है ना, वो ज्यादा मजबूत है बजाय पानी वाले रिश्ते के, जैसे आपका दोस्त आपका पानी वाला फ्रेंड है, पर अब जमाने में थोड़ा उल्टा हो गया है, भाई भाई आपस में लड़ते हैं और दोस्तों के लिए जान दे देते हैं, है ना, और भाई की जान लेने को तैयार होते हैं लोग, बट ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून के रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं ऐसा कहा जाता है। इसको समझिए, यहां लिखा है कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, कमिंग इवेंट्स मतलब आने वाली घटनाएं, कास्ट का मतलब होता है फेंकना, देयर शैडो, शैडो मतलब छाया, फिर से लिख देता हूं मैं, ये लिखा मैंने छाया, बिफोर, इसको समझो, अब हिंदी में कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, आपको लग रहा होगा ये पूत के पांव कहां जा रहे हैं और ये तो शेडो और कमिंग इवेंट्स क्या क्या हो गया, कोरिलेशन है, समझाते हैं कैसे रिलेटेड है। देखो हिंदी वाला प्रभाव है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, आपने नहीं सुना तो ये आपकी प्रॉब्लम है, पर ऐसा बोला जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, मतलब बहुत अर्ली स्टेज पर हम समझ जाते हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हम खैर आप अपने आप को आज तक नहीं समझ पाए हो कि इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो, है ना, इस उम्र तक आते आते हो तो अब लोगों ने मान लिया है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, और कुछ तो विश्वास आपको भी हो गया है कि बस रे भाई खत्म है अब कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, प्रयास कीजिए। चलिए हम इसको समझते हैं, कमिंग इवेंट्स, अब तीन को थोड़ा इमेजिन करो, हालांकि स्कूल ने आपको इमेजिनेशन नहीं सिखाया, स्कूल में इमेजिन करना पाप था, उसको लगता है ख्वाबों में कहीं चला गया है, बट इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, ज्ञान से ज्यादा जरूरी है इमेजिनेशन। When I went to school first time, जब मैं स्कूल गया था, and when I came to know कि यहाँ मैं क्यों आया हूँ, ज्ञान अर्जित करने आया हूँ, भले ही नहीं ले पाया बात अलग है, लेकिन गया तो उसी पर्पज से था। फिर कहीं एक लाइन पढ़ ली बचपन में एक बार कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, तो मुझे लगा कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो ये करने ही नहीं देते, स्कूल में जाओ तो ज्ञान पेलते हैं लपक के, दे रटो दे घोटो दे रटो दे घोटो, और इमेजिन करने जाओ तो पनिशमेंट मिल जाता था, तब कुछ जमा नहीं था मुझे मानना, पहले तो सेंटेंस बहुत दिनों तक समझ नहीं आया कि ये बोल सही रहे कि गलत रहे, कि इमेजिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज, क्योंकि हमें ऐसा लगता है आज भी नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरे हमने पूरी उम्र लगा दी ना अभी तक की उसी के लिए,
आप समझ लो, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। कल्पना की जो शक्ति है आपकी, वो ज्ञान से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब कैसे इमेजिन करना है और क्या करना है बताएंगे कभी किसी क्लास में, लेकिन ज्ञान से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो हम इसको समझ रहे थे। ऐसा माने कि कोई व्यक्ति आपके पास चल कर आ रहा है, दीवार है, आप दीवार किस तरफ खड़े हो, वहां से चल कर आ रहा है। उस व्यक्ति के पीछे लाइट जल रही है ना, कुछ रोशनी है। तो जब वो आ रहा है तो पहले क्या आएगा उसकी, क्योंकि पीछे लाइट जल रही है, उसकी परछाई आपको दिखेगी। ऐसा कॉर्नर है, आप इस तरफ खड़े, वो आदमी उधर से चल के आ रहा है, आपको आदमी नहीं दिख रहा है कौन आ रहा है, लेकिन उसकी परछाई आपको पहले दिख जाएगी। उस शेडो को, परछाई को देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह का व्यक्ति आ रहा है, एक अनुमान लग जाएगा, है ना। तो क्या कहा उन्होंने, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, आने वाली घटनाएं अपनी परछाई पहले फेंक देती हैं, मतलब पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। खैर, आपके अभी तक नहीं दिख पाए हैं, बुढ़ापे में आ गए हैं आप, है ना, फिर भी कोशिश कीजिए कि आपको समझ में आए। ये समझ में आ गया है कि आपको, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कुछ काटने पीटने की बात होगी यहां पर, सीजर्स दिख रही है ना, क्या बोलते हैं, सीजर्स, सीजर नहीं बोलते हैं, सीजर्स एस लगा रहता है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, जितना कपड़ा है उसके हिसाब से उतना ही बड़ा कोट काटो। आप कोट बड़े साइज का काट लिया, कपड़ा छोटा निकल गया, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो हिंदी में कहते हैं उतने ही पांव पसारिए जितनी चादर हो, चादर से बाहर पांव मत ले जाइए, है ना। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है, ऐसा कहा भी गया होगा आपको। थोड़ा सा बदल देते हैं ना, जमाना बदल गया है, अब कंप्यूटराइज्ड है मामला, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, थोड़ा सा बदलते हैं। पहले सिखाया था कि उतने ही पैर पसारिए जितने जितनी चादर है, अब थोड़ा सा अमेंडमेंट करते हैं, पैर पसारते जाइए और चादर को भी बड़ी करते जाइए, देखते हैं अपने भी पैर कहां तक जाएंगे, उतनी चादर लंबी कर देंगे अपन। यस, बेधड़क बिंदास चलिए, बहुत आगे जाएंगे अपन, चादर भी खींचते चलेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, जितनी चादर उतने पैर फैलाइए। ओहो, ये तो रोमन्स दिख रहे हैं, समझते हैं। डू इन रोम एज रोमन्स डू, रोम अगर आप इटली की जो कैपिटल है रोम, उस शहर में अगर हैं, उस कल्चर में अगर हैं, मैं शहर से ज्यादा कल्चर शब्द ठीक रहेगा, कि अगर आप उस कल्चर में हैं तो वैसा ही बिहेव कीजिए जैसे वो लोग करते हैं। जैसा देश वैसा भेष, स्वामी विवेकानंद भगवा वस्त्र पहनते थे, सिंपल एक धोती लपेट ली उस तरह से, है ना, जब वो हिंदुस्तान में थे। जब वो बाहर फॉरेन गए तब भी उन्होंने वही पहना, पर वहां तो बहुत ठंड थी, टेम्परेचर बहुत कम था। तब उन्हें किसी ने समझाया कि आपको जैसा देश वैसा भेष में होना पड़ेगा। इसलिए अब जब स्वामी जी की आप फोटोग्राफ देखते हैं तो एकदम बहुत बढ़िया सा, है ना, ऐसे सूट कोट होता है, क्या बोलते हैं उसको, हैट होता है, मतलब तरबन होती है पगड़ी। वो समय की डिमांड थी, ठंड से बचने के लिए उन्होंने उस तरह के कपड़े पहने और फिर वही फोटोग्राफ हमारे सब तक आ गई। तो क्या थे, उन्होंने क्या किया था, जैसा देश वैसा भेष बना लिया। तो डू इन रोम एज रोमन्स डू, ठीक, समझ गए। चलो, थैंक यू वेरी मच, पे गाड़ी आ गई है आज, कुछ 10, 8, 10, 12, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितनी प्रोवर्ब्स थी, पर हमने सीखी। इस वीडियो को 2, 3, 4, 5 बार देखिएगा, कल तक बार बार रिवाइज कीजिएगा, इतना करना है रिवाइज कि वो टंग पर आ जाए, आपकी जबान पर आकर बैठ जाए, जैसे सरस्वती बैठती है ना दिन भर में एक बार, ऐसे ये सारे के सारे बैठा लो, जब जहां जिधर मौका मिले मार दो उठा के। यस, चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर, ठीक 9 बजे, कुछ नया सीखने के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, वी विल